लेक्चर में हम लोगों ने लेंस स्टार्ट किया था, और लेंस में हम लोगों ने लेंस में का फॉर्मूला देख लिया था, और फिर उसमें हम लोगों ने कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताया था कि डेफिनेशन क्या है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का। अभी बस इतना सा ही किया था, और फिर कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था। ज़रूरी नहीं है कि अगर कन्वेक्स लेंस है तो वो हमेशा कन्वर्जिंग ही हो, और इस बात को हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा था कि क्या होता है जनरली। तो फोकस हम लोगों ने निकाला था, और फोकस निकालने के बाद एफ के वैल्यू को पॉजिटिव या नेगेटिव बताया जा सकता है। एफ पॉजिटिव होता है तो कन्वर्जिंग लेंस, और एफ नेगेटिव होता है तो डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। और कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस किस किस तरीके से हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ देख लिए। तो और फिर लेंस के कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है आगे चलते हैं। इस जगह पे सिर्फ फोकल लेंथ हम लोगों ने निकाला था, और दो क्वेश्चन मैंने करने के लिए दिए थे कि इन दोनों के तुम लोग फोकल लेंथ निकाल करके लेके आना कि क्या होगा। किया गया सभी ने? फर्स्ट वाले का आंसर किसी को कुछ पता? किया हो तो बताओ। सर इन्फिनिटी लग रहा है, मतलब आ रहा इन्फिनिटी आ रहा है फोकल लेंथ। ओके, एक का आंसर है। इन्फिनिटी आ रहा है, और किसी का कुछ? और किसी का कुछ? और कुछ नहीं। चलो देखो सॉल्व करते हैं इसको। ये जो फर्स्ट वाला है सबसे पहले उसको देखेंगे, और फर्स्ट वाले में कैसे दिया गया था ऐसा था। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3, 2, 1, 40, 3, 2, 1, और दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 40। तो इसमें हम लोग अगर फॉर्मूला लगाए 1/f = n रिलेटिव -1 और 1/r1 - 1/r2, तो मेरा आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले को हम लोग नहीं लगा सकते हैं। एजम्पशन ये लिया था इस फॉर्मूले को डिराइव करते टाइम पे कि इस साइड का और इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए था, सेम, जो कि सेम नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? हम लोग जनरल तरीका अपनाएंगे, और जनरल तरीके में फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है, हमारा डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये बोलता है कि जितने सारे पैरेक्सियल रेज हैं वो जहाँ पे भी मीट करेंगे, है ना, जो भी डिस्टेंस पे पोल से जितने भी डिस्टेंस पे मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वही फोकल लेंथ कहलाएगा। बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, एक पैरेलल रेज इस पे ड्रॉप किया, तो इस पे यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और साइन के साथ पुट करें तो माइनस। तो पहला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस आया उसके लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए, रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, जिसके लिए हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं n2/v - n1/u = n2 - n1/u। याद है क्या? अरे हाँ बोलो, सर, समझ में आया ना? ट्रिकी क्वेश्चन है, यस हाँ ट्रिकी क्वेश्चन है, इस बात को समझना अच्छे से। दिया गया है क्वेश्चन, पूछा गया बहुत सिंपल वे में, लेकिन है अच्छा क्वेश्चन। अब n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। b का वैल्यू मुझे निकालना है, माइनस n1/u। n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना भी हो लेकिन वहाँ नीचे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, इज इक्वल्स टू 2 - 3। n1 का वैल्यू 3 है, डिवाइडेड बाय r। r का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस तरफ, -40 तो ये -40 हुआ। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। क्या मैं इसके थिकनेस को काफी ज्यादा छोटा बोल सकता हूँ? क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है, तो हम लोग बहुत ही स्मॉल एज्यूम करेंगे, वेरी वेरी स्मॉल। तो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का पोल के डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो वो लगभग लगभग सेम है। तो जितना इसके लिए v होगा उतना इसके लिए u होगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं, वो बताओ। यस ये फर्स्ट सरफेस है और ये सर, सेकंड सरफेस है, तो फर्स्ट सरफेस का जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा इसके लिए,
तो इमेज के लिए वी से डिनोटेशन होता है और ऑब्जेक्ट के लिए यू से होता है, बराबर। तो मैं यहाँ पे भी पुट कर लेता हूँ। अब सेकंड सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे गया, और जो भी रिफ्रैक्शन होगा कैसे भी जाएगा मुझे नहीं पता। सेकंड सरफेस के लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, एन टू बाई वी माइनस एन वन बाई यू इज इक्वल्स टू एन टू माइनस ऑफ एन वन बाई आर, ठीक है। तो एन टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन, और वी जो कि मुझे निकालना है माइनस एन वन, एन वन का वैल्यू कितना हो जाएगा टू, और यू का वैल्यू कितना हो जाएगा वी, कौन सा वी, ये वाला, इसको मैं वी डैश बोल दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं यहाँ पे डैश लिख रहा हूँ। समझ में आया क्या, क्योंकि ये जो वी डैश हमारा निकला है वही यू है हमारा सेकेंड सरफेस के लिए। साइन के साथ पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन खुद ही खुद एडजस्ट कर लेगा। और वन माइनस टू डिवाइडेड बाय आर, आर का वैल्यू कितना होगा, +40 +40। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन आ चुका है और इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और इधर से हम लोग वी को निकालेंगे। देखो क्या करें, दोनों को ऐड कर लो, वन बाई वी इज इक्वल्स टू वन बाई फोर्टी, और ये कितना आ रहा है माइनस वन बाई फोर्टी, ऐसा ही है ना। तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा, जीरो दे देगा, और वी क्या आ जाएगा हमारा, इन्फिनिट। इसका मतलब जो एफ है वो इनफाइनाइट है, एफ इज इनफाइनाइट। तो हमने क्या देखा, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होने के बाद भी लाइट रेज पैरेलल इंसिडेंट हुआ तो निकला भी पैरेलल, तभी ये ऐसा हो सकता है, जिसमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, 3, 1 कुछ इस तरीके से दिए गए हैं कि लाइट रेज जो फाइनली बाहर निकल रहे हैं वो पैरेलल निकल गए। इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम एक ग्लास की तरह एक्ट कर रहा है, एक ग्लास की तरह एक्ट कर रहा है, सही, जैसे आया वैसे निकल। लेकिन हाँ, ऑब्जेक्ट अगर इस जगह पे रखा हो और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवेन हो तो इमेज कहाँ पे बनेगा वो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है क्या। सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या सबको, कोई प्रॉब्लम किसी को, यस सर, हाँ सर, कितने लोग के आंसर आए थे, आ यस सर, आ गया था, आ गया था, एक का ही, दो। चलो अब देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का साथ साथ में जो प्रिज क्या है वो लेंस है उसका भी दे रखा है, और दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे रखा है। तुम्हें फोकल लेंथ निकालने के लिए बोला है, तो क्या इसमें हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, जो यस सर, कर सकते हैं। है ना, कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड मीडियम क्या है, सेम है। इसमें वन बाय एफ क्या हो जाएगा, एन रिलेटिव माइनस वन बाय वन, और एन रिलेटिव कितना हो जाएगा, थ्री है, और ये 3/2। और रेडियस ऑफ कर्वेचर था 30, 30। तो देखो इसमें एन रिलेटिव माइनस वन पुट कर लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। और कभी भी ऐसा कर्वेचर हो तो इसके लिए हम लोग डायरेक्टली 2/r पुट करते हैं। हाँ, तुम लोग को बताया हुआ है मैंने, r का वैल्यू कितना है 30, और ये 1/f आया। और अगर इसको अच्छे तरीके से करें कितना आ जा रहा है, ये माइनस 1/2 इंटू 30, सो f इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 30, है ना। तो तुम मुझे बताओ इसमें फोकल लेंथ
नेगेटिव आने का क्या मतलब है, इससे हम लोग क्या सोच सकते हैं? फोकल लेंथ मतलब फोकस लेफ्ट साइड पर है, अगर पैरेलल रे जाएंगे इंफिनिटी से लेफ्ट हाँ, साइड से इसका तो। मतलब ये है कि ये डाइवर्जिंग लेंस है ना, और जितने सारे पैरेलल रेज इस लेंस के ऊपर फॉल करेंगे उन सभी रेज को क्या करेगा, वो डाइवर्ज करने की कोशिश करेगा। बड़ा अजीब है कि ये कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण से ये सारी चीज़ें होता है। चलो, तो ये चीज़ तो हम लोगों ने देख लिया, अब आगे चलते हैं और रे ट्रेसिंग इसमें भी देख लेते हैं। कि अगर हमारे पास कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस रहेगा तो हम लोग रे डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे। तो पहले किसके लिए देख लें, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और जैसा कि हम लोगों ने कॉनकेव और कॉनकेव मिरर के लिए ड्रॉ किया था, उसी के जैसा ग्राफ भी हमारा बनेगा। तो पहला क्या है, अगर कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो क्या हो जाएगा, फोकस से पास होगा। और जनरली क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, फोकस से इस तरह से पास होगा, इस जगह पे होता है। और डाइवर्जिंग लेंस इधर मैं लिख देता हूँ, कॉनकेव लेंस, और इस लेंस को मैं डाइवर्जिंग लेंस की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। और इसे कन्वर्जिंग, तो कोई सा भी लाइट रे लेंस के ऊपर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो क्या करेगा, फोकस से पास होगा। और क्योंकि इसका फोकस पीछे के साइड नेगेटिव होता है तो ये ऐसा होगा। यार ये सब तो तुम्हें पता होगा, तो इसीलिए डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ हम लोग नेगेटिव लेते हैं और कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं। दूसरा, जितने भी सारे लाइट रे हैं जो फोकस से पास कर रहे हैं, जितने भी सारे लाइट रेज हैं, इसका फोकस दो जगह पे लेते हैं ना, जितने भी सारे लाइट रेज जो फोकस से पास कर रहे हैं वो कैसे हो जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली चले जाएंगे। सेम यहाँ पे भी बोल सकते हैं, जितने भी सारे लाइट रेज फोकस से पास करेंगे। अब इसका फोकस कैसे पास होगा, इधर ये फोकस और ये फोकस, लेफ्ट वाले फोकस से पास कराऊं या राइट वाले, मुझे इस वाले फोकस से पास कराना। ठीक है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, हमेशा ध्यान रखना ये लाइट रेज को डाइवर्ज करने की कोशिश करेगा, और हमेशा ये लाइट रेज को क्या करने की कोशिश करेगा, कन्वर्ज, अनटिल अनलेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कुछ अलग तरीके से चेंज कर रहे हैं। तीसरा, जो भी लाइट रे पोल के थ्रू पास होता है वो अनडेविएटेड चला जाता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो जो भी लाइट रे पोल से पास करेगा वो अनडेविएटेड आगे की डायरेक्शन में चला जाएगा। और सेम है हमारा डाइवर्जिंग लेंस के लिए भी, लेकिन इसमें एक चीज है मैं अभी बताऊंगा। ये इस तरीके से निकल गया पोल,
फोकस है। जनरली जब हम लोग काफी ज्यादा थिन मानते हैं, मतलब जो थिकनेस है लेंस का वो काफी ज्यादा कम एज्यूम करते हैं, तो ऐसा होता है, और साथ ही साथ हम लोग को अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है। लेकिन मैं दिखाता हूँ कि अगर हमारा लेंस काफी ज्यादा थिक हो तो एक्चुअल में क्या होगा। ये लेंस है और अब कोई सा भी लाइट रे इस जगह से आ रहा है, लेट से इस जगह से आया और इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ और ये पोल से पास कर रहा होता, लेकिन ये लाइट रे इस सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन करेगा। क्या मैं इतना छोटा सा दोनों सरफेस को पैरेलल एक ग्लास स्लैब की तरह ज़ूम कर सकता हूँ, मान सकता हूँ क्या? हाँ सर, मान सकते हैं। तो यहाँ पे इस सरफेस पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन और बेंडिंग होगा, लाइट का हो गया बेंडिंग। मैं थोड़ा सा और इसको नीचे करके बनाता हूँ। तो लाइट का बेंडिंग होने के कारण से लाइट जो है वो पैरेलली शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा, आया ना? यस सर, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं बताना चाह रहा हूँ? थोड़ा और एंगल पे मैं इसको बना रहा हूँ। लेट से लाइट रे ऐसे आ रहा है, ये बेंड कर गया और लाइट रे वापस से ऐसे ही चला जाएगा। ये दोनों लाइट रे कैसे होंगे, पैरेलल। इन दोनों लाइट रे को पैरेलल होना पड़ेगा क्योंकि मीडियम कैसा है, सेम। दिस वन लाइट रे एंड दिस वन, बोथ विल बी पैरेलल। लेकिन पैरेलली लाइट रे शिफ्ट हो गया, जिसको हम लोग लेटरल शिफ्ट कहते हैं। तो अगर ये थिकनेस काफी ज्यादा छोटा हो, काफी ज्यादा छोटा हो, तो उस केस के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि लेटरल शिफ्ट भी बहुत ही माइन्यूट सा होगा, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं और लाइट रे पैरेलली निकल अनडेविएटेड निकल जाएगा। वही केस यहाँ पे भी बनता है, अगर हमारा कॉनकेव लेंस ठीक हो तो इस जगह पे भी एक पैरेलल ग्लास स्लैब बन जाता है, और लाइट रे अगर आता है तो इसमें भी ये चीज हो सकता है, ये फेनोमेना देखा जा सकता है। तो जनरली हम लोग इस चीज को नेगलेक्ट करेंगे जब तक कि क्वेश्चन में हमें देख के पता ना चले कि इसका थिकनेस ज्यादा है, तब तक हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग, और एक एक करके हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के लिए पहला हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं। पहला कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। देखो ये चीज हो सकता है तुम लोगों ने पढ़ा हो सकता है ना पढ़ा हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट दूसरे जगह पे भी जाते हैं पढ़ने के लिए, कोचिंग स्टूडेंट में, टेंथ के प्रिपरेशन में, नाइन्थ के प्रिपरेशन में, तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ाया जाता है, और बहुत लोग खुद से पढ़ते हैं और कम पढ़ते हैं, तो उन्हें ये पता नहीं होता। तो इसीलिए मुझे ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजिशन चेंज करेंगे तो उसका रे डायग्राम हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग ऑब्जेक्ट को जो प्लेस कर रहे हैं वो इन्फिनिटी पे प्लेस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे प्लेस होगा तो लाइट रेज कैसे आएंगे, सभी पैरेलल, और जितने भी सारे लाइट रेज आते हैं पैरेलली वो कहाँ पे मिलते हैं, बोलो? फोकस पर। अब इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट रेज जो पैरेलल हैं और क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस है उसको पैरेक्सियल रेज बोलते हैं, और पैरेक्सियल रेज फोकस से जाता है। लेकिन अगर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि पैरेलल रेज अगर लेंस से पास करते हैं वो फोकस पे नहीं, वो फोकल प्लेन पे मीट करते हैं, जैसे कि मैं उसका डायग्राम बना के बताता हूँ, तो डिफरेंस नज़र आएगा। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, लाइट रेज जो वो पैरेलली ही आ रहा है, इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है,
ये सारे लाइट रेज जो पैरेलली आ रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो क्या अभी ये फोकस पे मीट करेगा क्या? नहीं, ये फोकस पे नहीं है, फोकल प्लेन पे जरूर मीट करेगा। तो ये जो प्लेन होता है जो फोकस से पास करता है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है उसे हम लोग फोकल प्लेन बोलते हैं। और ये कुछ इस जगह पे इमेज बनाएगा ऐसा। मेरी बात समझ में आएगा तुम लोग को? यस सर। हाँ सर। या ये जो प्लेन बन रहा है फोकस से पास करने वाला, इसको फोकल प्लेन बोलते हैं। तो इमेज कहाँ पे बना, कितने डिस्टेंस पे बना? इमेज जो बना वो माइनस एफ या प्लस एफ पे बना, प्लस एफ पे बना। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी बोला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस टू एफ तक आएगा, तो माइनस टू सॉरी, तो ऑब्जेक्ट का इमेज जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये मुझे बताना। तुम लोग इसका रे डायग्राम बना करके बताओ। अगर कोई ऑब्जेक्ट एफ से टू एफ तक, एफ और टू एफ के पास बीच में कहीं पे भी रखा हुआ है, इसका इमेज कहाँ पे होगा? तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका रे डायग्राम बनाएंगे। एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और वो फोकस से पास करेगा, बिल्कुल चला गया। और दूसरा लाइट रे जो फोकस से पास करेगा और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला, इस तरीके से। तो यहाँ पे इमेज बना। और तुम खुद कुछ कुछ चीज़ें देख करके बता सकते हो कि ये कैसा है इमेज, डिमिनिश्ड है, रियल है, वर्चुअल है, और कैसा है इमेज? इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है। और रियल है या वर्चुअल है? रियल। रियल इमेज रियल है। बराबर। और मैग्निफाइड होगा या फिर डिमिनिश्ड होगा? डिमिनिश्ड। तो इस चीज को याद रखना, जब ऑब्जेक्ट इस सभी लोकेशन पे होते हैं इधर, उसका इमेज जो बनता है वो डिमिनिश्ड बनता है। क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में एक और पार्ट आता है जहाँ पे हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, उसमें ये मैग्निफिकेशन का काम। चलो तो मैं पहले देख लेता हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे रखा हुआ था तो इमेज कहाँ पे बना उसके कॉरस्पॉन्डिंग? प्लस ऑफ एफ पे। और फिर अगर ये ऑब्जेक्ट टू एफ पे रखा जाए तो इमेज कहाँ पे बनेगा? टू एफ पे बनेगा। ठीक है क्या? सेम इसका हम लोग रे डायग्राम बना सकते हैं। चीज नहीं, आगे चलते हैं। सेकेंड हो गया, थर्ड। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ से, माइनस टू एफ से लेकर के फोकस तक लेकर के जा रहे हैं, माइनस एफ। सभी कोई बनाओ इसका रे डायग्राम। बना क्या? यस सर। कहाँ पे बन रहा है इमेज? टू एफ पे। तो अगर मैं टू एफ और एफ के बीच में रखा हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा हूँ, तो इमेज कहाँ पे बनेगा? सबसे पहले मैं लाइट रे लेता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से पास होता होगा, निकल जाएगा। दूसरा लाइट रे मैं चाहूँ तो पोल से पास करा सकता हूँ या फिर फोकस से पास करा सकता हूँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने पोल से पास करा दी, तो ये लाइट रे इस जगह पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे और इस जगह पे बनेगा।
तो ये 2f से इस तरफ आ गया, और इमेज अगर 2f पे रखा हुआ था माइनस में, ये 2f पे बनता है प्लस में, और अगर ये माइनस ऑफ f पे रखे रहे तो कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटी अब ध्यान देना कौन सा इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? इस जगह पे फोकस है, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, तो जैसे मैं ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे करके पास लेते जाऊंगा, ये जो इमेज है ये दूर जाते जाएगा, आया ना? यस सर क्योंकि ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि ये जो लाइट रे है ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा, चाहे तुम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, ये लाइट रे ऑलवेज फोकस से ही पास करना है, और इसका पाथ डिफाइंड है, बस एक ही स्ट्रेट लाइन है जो कि चेंज हो सकता है, दैट इज पासिंग थ्रू द पोल। तो पोल से वाला जो लाइन होगा वो जो पास करेगा वो बहुत ही ज्यादा दूर जा करके इंटरसेक्ट करेगा, और ये इस तरफ जाते जाते इन्फिनिटी पे मीट करेगा, प्लस में इन्फिनिटी यहाँ पे आया। तो जैसे ही अगर मैं फोकस पे रख दूंगा तो फोकस पे एग्जैक्टली क्या हो जाएंगे, ये दोनों लाइट रेस पैरेलल हो जाएंगे, और अगर मैं फोकस से थोड़ा सा आगे गया ये फोकस है और मैं थोड़ा सा आगे गया तो लाइट रेज जो होंगे वो ऐसे करके पैरेलल ना हो करके वो पीछे जा करके कन्वर्ज करने की कोशिश करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये दो लाइट रेज है सर, हाँ सर हाँ समझना अच्छे से, ये लाइट रेज है, इस डंडे को तो मैं बिल्कुल नहीं हिला रहा, लेकिन इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ पोल के अबाउट, और ये धीरे धीरे इस तरफ रोटेट होते जा रहा है, पहले ऐसे था तो इंटरसेक्ट करके यहाँ पे इमेज बना रहा था, और धीरे धीरे इसको और मैं बेंड करते गया तो दूर इमेज बनाने लग गया, और बेंड किया तो पैरेलल हो गया तो इन्फिनिटी पे इमेज बनाने लगा, और बेंड किया तो अब ये पीछे जा करके इमेज बनाएगा, आया ना? तो यस सर हाँ, ऑब्जेक्ट को अगर मैं अब माइनस ऑफ एफ से लेकर के पोल तक लेके जाऊंगा तो इमेज हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, क्योंकि अब मैं अप्रोच जो है वो इस साइड से कर रहा हूँ, तो मेरा इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनेगा इस तरफ माइनस ऑफ इन्फिनिटी, और ये माइनस इन्फिनिटी से फिर पोल पे जाएगा। मेरी बात समझ में आएगा सबको? लास्ट केस फिफ्थ वाला देखते हैं, वैसे तो केस इसमें और ज्यादा हो जाएंगे, ये फोकस, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को मैं पोल से इस तरफ करना चाहता हूं, और इस तरफ करेंगे तो फिर हमारा ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, वर्चुअल, है ना? बोलोगे सर इधर ऑब्जेक्ट रखा तो लाइट रे इधर से तो चल जा करके इमेज बना लेगी, वो केस रिपीट होने लग जाएगा, मैं उसको चाहता नहीं, सबसे पहला केस है ना, रिपीट होने लग जाएगा केसेस। तो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे दो लाइट रेस चाहिए होंगे, अगर ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखा हुआ है तो सबसे पहले एक ये वाला लाइट रे ले रहा हूँ, स्ट्रेट है और ऐसे जाना चाहिए था, और कोई कौन सा लाइट रे ले लो ऐसे जाने वाला फोकस से, है ना? अगर लेंस नहीं होता, आप ध्यान से देखो, अगर लेंस नहीं होता तो क्या होता, आराम से इस जगह पे इमेज ऑब्जेक्ट बनता, क्योंकि ये दोनों इंसिडेंट लाइट रेज हैं, और क्योंकि अब लेंस है तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, तो ये वाला लाइट रे इस तरफ चला जाएगा,
और ये जो है पैरेलली निकल जाएगा इस तरीके से, इमेज यहाँ पे बन रहा है ना, रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड लाइट कहाँ पे जा रहा है इस चीज को देखो। और चाहो तो तुम पोल से भी ले सकते हो, पोल से लेंगे तो अनडेविएटेड पास हो जाता है ना, तुम ये भी ले सकते हो। तो इस तरीके से अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा इन लोकेशन पे तो इमेज किस लोकेशन पे बनेगा ये तुम्हें पता चलता है। और इसको तुम आगे करते जाओ, और इसको आगे कर लेता हूँ, देखना क्या होगा। मैं ऑब्जेक्ट को इस जगह पे कर लिया, तो ये लाइन तो अभी भी चेंज नहीं हो रहा, पहले भी चेंज नहीं हो रहा था क्योंकि फोकस से ही इसको पास करना है। और ये पोल से पास करने वाला लाइट रे को रोटेट कराया जाएगा उसके हिसाब से हमारा इमेज बनते जाएगा, इधर इमेज बनेगा ये रहा। समझ में आ रहा है? तो अब ऑब्जेक्ट को तुम कहां से कहां तक लेके जा रहे हो? ऑब्जेक्ट को पोल से लेकर के प्लस पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी तक, तो इमेज इसका किस जगह से किस जगह तक बनेगा बोला? पोल पे था तो पोल पे ही बनेगा, और प्लस ऑफ इन्फिनिटी पे लेके चले गए तो कहां पे बनेगा? फोकस पे, है ना। इस वाले लाइट रे को पूरा ही बेंड कर दो क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है ना, तो लगभग लगभग पैरेलल हो जाएगा, तो ये फोकस पे इमेज बनेगा। तो इसी तरीके से तुम लोग कॉन्वेक्स वाले, कॉन्वेक्स का मैंने बता दिया, कॉनकेव वाले के लिए करके लेके आना, ठीक है। कॉनकेव लेंस के लिए ओके सर। रे डायग्राम तुम लोग बना करके लेके आना, जैसे कि अगर कॉनकेव लेंस है ऐसा, और कोई भी ऑब्जेक्ट को रखा गया, फोकस 2F है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया तो लाइट रेज पैरेलल जाएगा, और ये फोकस है और ये 2F है तो ये पैरेलल टू द सॉरी फोकस से पास करते हुए बाहर निकल जाएगा। और दूसरा पोल वाला ले लेना, पोल से पास करने वाला, तो लाइट रे से पोल से पास करेगा, अनडेविएटेड निकल जाएगा। या फिर तुम दूसरा भी ले सकते हो, ये फोकस से पास करे और पैरेलल तो प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाए, जो इमेज बन रहा है वो इस जगह पे बन रहा है। तो इस जगह पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो अगर इस जगह तक रखा गया तो इमेज जो है वो इस जगह तक। या इस तरीके से हम लोग डिफरेंट रे डायग्राम वगैरह बना सकते हैं। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे तरीके से वेरी करेगा, ठीक है क्या? बताओ ग्राफ कैसा बनेगा पहले कॉन्वेक्स वाले के लिए? कॉन्वेक्स लेंस में कुछ एरिया को डिफाइन कर दो, फोकस टू एफ, ये फोकस और ये टू एफ, माइनस साइन में पुट कर ले रहा हूँ। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट देखो जो ऊपर हम लोगों ने काम किया उसी को मैं वापस से दिखाने वाला हूँ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2f, और 2f क्यों बोलना, f तक, माइनस f तक लेकर के जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, इमेज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस ब्लू कलर से दिखाता हूँ, ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट अगर मैं इस जगह तक लेकर के जाऊं तो जो इमेज है वो एफ से लेकर के इधर लेकर जाएगा। समझ में आया क्या? और ऑब्जेक्ट इमेज के लिए ये वाला था,
और ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे बढ़ा फोकस से गोल तक, तो इमेज अब किस रीजन में बन जाएगा? बोलो इमेज किस रीजन में बन रहा था? बोलो माइनस एफ से पोल तक गए थे, देखो ऊपर फिर से चलते हैं, माइनस एफ से पोल तक गए थे तो माइनस ऑफ इन्फिनिटी से पोल तक पीछे से बना था। तो इस रीजन में बनेगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट को मैं इस जगह से मूव करा इस तरफ, इधर से इधर, तो इमेज कहां पे बना? इमेज इस जगह से इस जगह तक। तो तुम देखो इमेज जो है वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है विद डिफरेंट वेलोसिटी। स्ट्रेट पाथ मतलब कि स्ट्रेट, मैं एक स्ट्रेट तो नहीं है, क्या मैं बोलूँ तुमको, कभी इन्वर्टेड बन रहा है, कभी रियल बन रहा है, कभी वर्चुअल बन रहा है, साथ ही साथ इरेक्ट भी हो रहा है कभी कभी, तो वो एक लूप में जा रहा है। तुमने ऑब्जेक्ट को इस जगह से स्टार्ट किया मूव करा ना, तो इमेज भी जो है वो इस पॉइंट से स्टार्ट किया मूव करना, और ये ऐसे मूव किया, फिर ब्रेक करके वापस यहाँ पे आ गया, और यहाँ से फिर मूव करना स्टार्ट हुआ, और ये इस लोकेशन तक फाइनल आया। ये इनिशियल लोकेशन था और ये फाइनल लोकेशन था, और ऑब्जेक्ट का इनिशियल लोकेशन यहाँ पे था और फाइनल लोकेशन यहाँ। बराबर है क्या? इस तरीके से तुम लोग याद रख सकते हो तीन पार्ट में, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और ये थर्ड। तो मैं इसका अब ग्राफ बना रहा हूँ, और एग्जैक्टली सेम पैटर्न जो है कॉन्वेक्स के लिए तो करता ही है, कॉन्केव के लिए भी फॉलो होता है। हम लोग बस इसके लिए याद रखेंगे, कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्केव के लिए खुद ही खुद याद हो जाएगा। U एंड V, फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ, यही होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। वो जो 1 बाय एफ वाला उतना बड़ा सा टर्म था मैंने उसको हटा दिया, सिर्फ 1 बाय एफ लिया। अब कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या है? जब ऑब्जेक्ट हमारा माइनस ऑफ इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ पे बना? यहाँ पे प्लस पे, प्लस ऑफ एफ, तो माइनस इन्फिनिटी u और v है, ये u और ये v, v प्लस ऑफ एफ कहाँ पे जाएगा? इधर आएगा प्लस एफ। और एक कोऑर्डिनेट चाहिए, अगर u तुम्हारा हो जाए माइनस ऑफ एफ तो v कितना हो जाएगा? u तुम्हारा माइनस एफ होगा, बोलो v कितना हो जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। u माइनस एफ से पास करने वाला लाइन, अच्छा कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है? माइनस टू एफ कॉमा ये कोऑर्डिनेट बनेगा, माइनस टू एफ कॉमा ये कोऑर्डिनेट कहाँ पे आ रहा है?
यू और वी का, बोलो कहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट है। ठीक है, मीटिंग एंड हो गया था, मुझे पता नहीं चला, मैं वापस इसको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। किस जगह पे एंड हो गया था सर? आप बता रहे थे कॉनकेव लेंस करके आने को। उसी जगह पे एंड हो गया। यस सर। हाँ सर। यस सर। ओके, तो मैं नीचे बताता हूँ, फिर से वापस से चीजों को बताता हूँ। इसका हम लोग रे डायग्राम देख लेते हैं। रे डायग्राम में क्या करना पड़ेगा वो ऊपर हम लोगों ने देखा, और अभी हम लोग को देखना है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस वाले के लिए ग्राफ देखेंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है, समझना ध्यान से, अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी से लेकर के फोकस तक आता है, ठीक है, तो इमेज कहाँ से कहाँ तक जाता है बताओ। इमेज जो है हमारा वो फोकस टू फोकस, एफ। हाँ फोकस से स्टार्ट होगा और 2F तक जाएगा, और फिर जब ऑब्जेक्ट अब वापस से फोकस से हम लोग पोल तक जाएंगे, तो क्योंकि ये तो ऑलरेडी माइनस ऑफ इन सॉरी प्लस ऑफ इन्फिनिटी तक पहुंच चुका है, अब ये वापस से घूम करके माइनस ऑफ इन्फिनिटी पे आ जाएगा। तो प्लस इन्फिनिटी तक तो ये पहुंच ही गया और माइनस इन्फिनिटी पे घूम के आ जाएगा, और इसके क्रॉस्पॉन्डिंग जो इमेज बनेगा वो इस लोकेशन पे बनेगा। हालांकि ये इरेक्ट होगा, मैं नीचे दिखा रहा हूँ बस। तो ये इस जगह से आगे मूव करेगा, और क्योंकि पोल तक जा रहे हैं हम लोग तो ये पोल तक मूव करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। इस तरीके से आप करना। और लास्ट वाला कि अगर ऑब्जेक्ट अब वर्चुअल हुआ और पोल से लेकर के प्लस ऑफ इन्फिनिटी तक मूव किया, पोल से लेकर के प्लस ऑफ इन्फिनिटी तक मूव किया, तो अब एक ही लोकेशन बचा हुआ है कि यहाँ पे इमेज नहीं बना है। तो ऑफ कोर्स इमेज इसी जो लोकेशन पे बनेगा, और इमेज इस तरीके से इस तरफ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला का कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट इमेज का पोजिशन, सेकेंड वाले पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंड का इमेज पोजीशन, थर्ड वाले ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड का इमेज का पोजीशन, याद रहेगा? बोलो। यस सर। है ना, सिंपल वे में यस इसको सर। मैंने तोड़ करके बता दिया, इतना इजी और कहीं पे बताया नहीं जाएगा। ये चीज हो गया, और इसमें कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए, क्योंकि तो मुझे वी वर्सेस यू का एक कर्व ड्रॉ करना है। तो तुम मुझे एक कोऑर्डिनेट्स बताओ, अगर ऑब्जेक्ट यू कॉमा वी है, तो अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा है माइनस ऑफ इन्फिनिटी पे जो कि यहाँ पे है, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है बोलो जल्दी से। वी का कोऑर्डिनेट फोकस प्लस ऑफ है, एक कोऑर्डिनेट मिल गया। दूसरा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को माइनस ऑफ 2f पे रखा हूँ यहाँ पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगा? प्लस 2f। प्लस 2f पे, देखो कोऑर्डिनेट मिलते जा रहा है मुझे, उसके हिसाब से मुझे एक रफ सिचुएशन आ जाएगा और मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूँ। दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया। तीसरा कोऑर्डिनेट जो इम्पोर्टेंट है, अगर मैं फोकस पे चले जाऊँ यहाँ पे प्लस नहीं सॉरी माइनस ऑफ एफ पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगा? माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी, बराबर है क्या? तो ये कोऑर्डिनेट्स मिले। पहला ये कोऑर्डिनेट बनाने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर देखा कि V से एक पैरेलल लाइन जाएगा प्लस एफ वाला, V के V इज इक्वल्स टू प्लस एफ, तो इधर होगा प्लस एफ। और दूसरा जो है कोऑर्डिनेट ये रहा, इसके लिए u इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f, u इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f, तो माइनस ऑफ f से एक पैरेलल लाइन जाएगा। और अगर तुमने ये बना लिया,
उसके बाद कुछ करना ही नहीं है। एग्जैक्टली सिमिलर जो चीज है हम लोगों ने मिरर वाले केस में देखा, कैसा कर्व हो जाता है इस वाले नहीं, ऐसा समझ में आया क्या? यस सर। और ये जो कोऑर्डिनेट है माइनस टू कॉमा टू है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? सेकंड कोऑर्डिनेट है जो कि यहाँ पे लाइक आ रहा है, और ये सिमेट्रिकल होगा मेरा सिमेट्रिकल। और ये जो कोऑर्डिनेट है ये है माइनस टू एफ कॉमा देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इमेज और ऑब्जेक्ट क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और इमेज क्या है, रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, वो कैसे पता चलेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरफ से आ रहे थे याद करो, तो इमेज कैसा था, रियल इमेज, अरे ऑब्जेक्ट सॉरी, रियल ऑब्जेक्ट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और वर्चुअल इमेज, इमेज भी रियल था, इमेज भी रियल है ना, किधर से आ रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट जो है माइनस ऑफ इंफिनिटी से चलना स्टार्ट किया और हम लोग आगे चलते जा रहे हैं, हम लोग इस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं था, जब हम लोग एफ से लेकर के पोल तक गए, कि पोल है 0,0, तो एफ से पोल तक में क्या हो गया था, वर्चुअल। तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और इस थर्ड क्वाड्रेंट में रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन रहा था, और इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज रियल था या वर्चुअल था, रियल ऑब्जेक्ट नहीं था वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा, ठीक है क्या? और लास्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज जो कि कॉन्वेक्स लेंस में कभी नहीं बनता, ठीक है, इस चीज को तुम लोग याद रख सकते हो, कॉन्वेक्स लेंस में क्या नहीं बनता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज नहीं बनता है, बाकी सारी चीज बन जाते हैं, और सेम तरीके से मैंने मिरर के केस में भी बताया था क्या नहीं बनता। बोलो सबको समझ में आया? सर जरा ऊपर करो, हाँ एक बार देख लो, पूछना है तो पूछ लो। सर ग्राफ नहीं, ग्राफ के नीचे, ग्राफ के नीचे ठीक है, यस सर। बोलो इसमें किसी को डाउट है तो। अब सभी कोई कनकेव वाले लेंस के लिए बना के बताओ कैसा ग्राफ है, कनकेव लेंस के लिए हो गया सर।
बोलो कैसा बनेगा। देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। पहले कॉन्वेक्स मिरर, मिरर का कैसा था, कॉन्वेक्स मिरर का और कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर का। याद है क्या कॉनकेव मिरर का कैसा था, बताओ। भूल गए क्या? वो जो दो पैरेलल लाइंस हम लोग बनाते थे वो किस क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करता था, बस उसी चीज को याद रखना। अगर वो चीज तुम्हें याद है तो शायद तुम, थर्ड क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करता था, हाँ, कॉनकेव उस मिरर में। कॉनकेव में मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव में। हाँ इसमें थर्ड क्वाड्रेंट। सर। याद है क्या सभी को? हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर याद है। हाँ, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होता था वो अगर हम लोग याद करें अच्छे तरीके से, तो कॉनकेव वाले मिरर में और कॉन्वेक्स वाले मिरर में, कॉन्वेक्स वाले मिरर में कहाँ पे होता था इंटरसेक्शन, फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। ये दो क्वाड्रेंट में होता है हमारा, कॉनकेव के लिए तो अपोजिट में कॉन्वेक्स के लिए होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जैसे तुम इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, सर अगर तुमने इसको इस तरीके से बनाया तो ये ऐसा कर्व जाएगा और ये ऐसा जाएगा, और इसका इंटरसेक्शन यहाँ पे दिया तुमने इस क्वाड्रेंट में, तो ये ऐसा होगा और ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है क्या? तो हाँ सर। इंटरसेक्शन पॉइंट किस तरीके से चेंज हुआ, फर्स्ट एंड थर्ड सेम वे में, इंटरसेक्शन कहाँ पे था, इस वाले लेंस के लिए, इस क्वाड्रेंट में था, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसका इंटरसेक्शन कहाँ पे बनेगा, फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये तो हमें पता ही है कौन सा लाइन होता है, कहाँ से पास होता है। तो अगर तुमने ये लाइन बना लिया है फिर तो बात ही खत्म हो गया। ये है तुम्हारा माइनस ऑफ एफ और ये है तुम्हारा प्लस ऑफ एफ, और फिर जो कर्व है वो ऐसा बनेगा। और क्वाड्रेंट का भी डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो तुम एक और तरीका अपना सकते हो, कि अगर तुमने ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा है तो इमेज भी 2f पे बनेगा, लेकिन साइन तुम ध्यान से देखो। बताओ साइन कैसा होगा? अब देखो मैं इसके बारे में बताता हूं कि कैसे मैं इसको पहचान सकता हूं कि इस तरफ बनेगा या उस तरफ बनेगा। जैसे कॉन्वेक्स मिरर वाले के लिए अगर मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज कहाँ पे बनता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही है कि नहीं। हाँ सर। यस सर। और कॉनकेव वाले के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। मैं एक मिनट लिख नहीं पा रहा हूँ मैं। तो जैसे कि कॉनकेव मिरर वाले के लिए,
कॉनकेव मिरर के लिए, ये हमारा कॉनकेव मिरर है और इस जगह पे एफ होता है, इस जगह पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। तो यू कमा वी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ जो भी है, 2f ले लेता हूँ या r ले लो, माइनस ऑफ r, तो ये भी माइनस ऑफ r, तो कोऑर्डिनेट क्या निकल गया, माइनस आर कॉमा माइनस ऑफ आर, तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो इस जगह का लोकेशन होता है, माइनस आर कॉमा माइनस ऑफ आर। तो तुम इस ग्राफ को अगर डिसाइड कर लोगे जो कि ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, तो दूसरा तो ओरिजिन से पास होगा ही होगा, हर एक कर्व को देखो एक ओरिजिन से पास हो रहा है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, मेरी बात समझ में आएगा। हाँ सर, तो तुम यस बहुत सर, बहुत यस तरीकों, सर, बहुत ज्यादा तरीकों से डिटरमाइन कर सकते हो, इस चीज को देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये जो बना है ये कहाँ पे बना है, 2f और माइनस ऑफ 2f एक्स कोऑर्डिनेट हुआ और वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 2f। तो तुम्हारा अगर ये वाला इस जगह कोऑर्डिनेट मिल गया तो एक ओरिजिन से पास करने वाला तो इधर ही बनेगा, समझ में आएगा। एक सिंपल सा डायग्राम था जो कि मैंने यस बता सर, दिया, इस डायग्राम में कौन सा चीज नहीं बनता है, तो ये जो चीजें हैं एग्जैक्टली रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज वो नहीं बनेगा, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज ग्राफ बनता है जो कि इस ग्राफ का प्रजेंस नहीं है सेकंड क्वाड्रेंट। तो कॉनकेव लेंस के लिए रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बनता, बाकी सारे चीज बन सकते हैं। काफी ज्यादा डेप्थ में बताना पड़ गया ये चीजें, टाइम कंज्यूमिंग भी तुम लोग के हो सकता है ऊपर से भी जाए, लेकिन देख लेना वापस से जो मैंने ट्रिक बताया उस तरीके से याद रखो, बस बात खत्म है। क्वेश्चन इस पे उतना ज्यादा आता नहीं है, मैथ्स लॉग वाला में एक बार पूछा गया।